वेलकम बैक टू कर्नाटका एक्वेरियम चैनल। अभी ये थर्ड वीडियो है हमारा इस मंथ का। तो अभी इससे पहले जो है हम लोग ने ब्लू टंग स्किंक का और ग्रीन ट्री पाइथन का जो है हम लोग वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में जो है हमारे पास रेडटेल बोवा है, हाइपो रेडटेल बोवा। तो इधर आप देख सकते हैं ये काफी ब्यूटीफुल बोवा है। एक्चुअली ना ये स्नेक में मिलता है ना ये पाइथन में मिलता है, ये कंस्ट्रिक्टर वैरायटी है। कंस्ट्रिक्टर वैरायटी काफी सारे इसमें रेनबो बोवास आते हैं, काफी सारे बोवास आते हैं। तो उसमें से जो एक ज्यादा जानी मानी हस्ती जो है वो है रेडटेल बोवा। और रेडटेल बोवा में भी ये काफी म्यूटेशन ब्रीड है, हाइपो रेडटेल बोवा। अगर ये प्रॉपर शेड, अभी तो शेडिंग नहीं किया है ये, तो इस वजह से आपको कलर नहीं पता चलेगा। आप इसके सर के ऊपर देख सकते हैं पूरा अभी ये शेडिंग कर रहा है। तो अभी समझो एक दो दिन में जो है इसकी कंप्लीट शेडिंग हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट अभी 2-2.5 feet का है और इसका जो ग्रोथ है वो अराउंड 15 feet तक के हो जाएगा। काफी ब्यूटीफुल लगेगा गाइस, जब ये बड़ा हो जाएगा ना अलग ही यूनिक दिखेगा। बिकॉज हमारे इंडिया में जो है रेटिकुलेटेड बर्मीस ये सब आप पाल नहीं सकते, बिकॉज दे आर इंडियन नेटिव स्पीशीज। तो हम लोग उसको रख नहीं सकते। जो भी इंडिया में मिलता है जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, कुछ भी इंडियन स्पीशीज जो है हमारे इंडिया में बैंड है। तो ये रेडटेल बोवा जो है ये काफी बड़ा होता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को बड़ा स्नेक चाहिए होता है। तो उसमें से जो है रेडटेल बोवा काफी ब्यूटीफुल स्पीशी है। और तो ये जिस कंट्री से मिलता है उस कंट्री का नाम है ब्राजील। तो ब्राजील में जो है काफी अच्छी इनकी ब्रीडिंग हो रही है, बिकॉज ये वाइल्ड में रहते हैं उधर। और ये नॉर्मल कलर पे रहते हैं, ये तो आप जो कलर देख रहे हैं वो कलर आपको वाइल्ड में नहीं मिल सकता, बिकॉज ये पूरा म्यूटेशन ब्रीड है। और थोड़े बहुत यूएस कंट्री में भी रेडटेल बोवास मिलते हैं, लेकिन काफी कम क्वांटिटी में। लेकिन जो इसकी असली कंट्री जो है अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ब्राजील मिलेगा। और रेडटेल बोवा में काफी सारे म्यूटेशंस आते हैं, अगर किसी को चाहिए रेडटेल बोवा में काफी सारे म्यूटेशन जो आते हैं वो सब आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर पे हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इनका जो पेमेंट रहता है वो आपको एडवांस देना पड़ता है पहले से ही, तो कंप्लीट पेमेंट देना पड़ता है। और दूसरी बात जो है, जो अभी मेरे पास आप रेडटेल बोवा देख रहे हैं वो 1,20,000 का एक पीस है। और रेडटेल बोवास एक काफी ब्यूटीफुल स्पीशी है स्नेक्स। और रेडटेल बोवा जो है वो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, डायरेक्ट बच्चे जन्म करते हैं ये। ये अभी काफी एग्रेसिव है, आप इसका साउंड देख सकते हैं, काफी एग्रेसिव स्पीशी में आता है ये। आप इसका साउंड देख सकते हैं, कंप्लीट एग्रेसिव में है। इस वजह से मैंने हैंड ग्लव्स डाल के इसके सामने बैठा हुआ हूं, कभी भी पकड़ सकता है। इसमें वेनम तो नहीं आएगा, लेकिन पेन काफी ब्यूटीफुल होगा, इतना अच्छा पेन होगा कि 2-3 दिन तक आप याद कर सकते हैं कि आपको रेडटेल बोवा ने ही काटा है, उतना अच्छा पेन होगा। क्योंकि जो इनके दांत आते हैं ये डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं आते, ये ऐसे आड़ी इसमें आते हैं। ये जब पकड़ेंगे तो छोड़ने के लिए भी इनको दिक्कत होगी, ऐसे लॉक कर लेंगे ये चमड़े को। तो रेडटेल बोवा जो अभी आप देख सकते हैं कंप्लीट मेरे ख्याल से 2.5 feet के करीब है रेडटेल बोवा। और ये आपको मिल जाएगा फुल्ली टेम्ड में, बिकॉज ये अभी थोड़ा वाइल्ड है, थोड़ा नहीं काफी वाइल्ड है। कस्टमर अगर न्यू हॉबिस्ट है तो वो ऑब्वियसली रखने को इसको डरेगा क्योंकि काट रहा है। और
इसको टेम करने को भी नहीं होगा उनको, क्योंकि अगर डर हो रहा है उनको काट रहा है तो ऑब्वियसली कोई इनको लेना नहीं चाहेगा। लेकिन इनको जो है आपको टेम करके प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसका फीडिंग डाइट देखेंगे तो एवरी 3 या 4 डेज में आप इसको फीड दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ काफी अच्छा लेगा। और इसका प्रॉपर डाइट अगर अच्छा रहेगा तो काफी इसके ग्रोथ में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। प्लस कैल्शियम देना मत भूलिए, आपके जो भी रेप्टाइल्स हैं उनको कैल्शियम प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप प्रोवाइड करिए। क्योंकि काफी सारे लोग जो है स्नेक्स ले लेते हैं, 40-50 हजार 1 लाख भी देके स्नेक्स ले लेते हैं, लेकिन उनको 500-600 रुपए वाला जो है वो कैल्शियम पाउडर नहीं देते। क्योंकि सब लोग बोलते हैं भैया चूहे में ही कैल्शियम मिल जाता है, चूहे में हाँ 100% कैल्शियम मिलेगा, लेकिन जितना इसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। आप प्लीज कैल्शियम उसको प्रोवाइड करिए। और बाकी अगर दूसरा वीडियो आपको देखना है तो प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और रेडटेल गोवा का जो प्राइस है मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 1,20,000 रुपीज ईच पीस है। और मेरे पास अगली आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो है स्केललेस कॉर्न स्नेक, काफी रेयर स्पीशी है, तो वो स्पीशी भी देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। काफी ब्यूटीफुल स्पीशी है और इसी आपको वीडियो के बाद दूसरे वीडियोज जो है वो मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपके नियर बाय फ्रेंड्स को प्लीज ये वीडियो जो है वो शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या हमारे इंडिया में एक्जॉटिक स्पीशीज जो है वो मिल रहे हैं। और एज अ पेट जो जैसे मेरा बचपना है, मुझे भी याद है मैं डॉग और कैट के अलावा कुछ नहीं देखता था, लेकिन इस हॉबी में मैं क्यों आया, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक पालना था, डिफरेंट। काफी लोग डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, सीधी बात है, हाँ रखते हैं, अभी भी मेरे घर पे कैट है, लेकिन कैट रखना एक कॉमन चीज हो गई। आजकल लोगों को डिफरेंट चीज चाहिए, तो वैसी डिफरेंट चीज अगर आपको खरीदना है तो फट से कांटेक्ट करिए, आपको जो भी आपका एक्जॉटिक पेट चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर से बता रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट होना पड़ता है यार, क्योंकि हमारे वीडियोस पे जो है ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, 2,000-3,000 लोग देख रहे हैं बस, 40-50 हजार सब्सक्राइबर हैं और 2-3 हजार लोग वीडियो देख रहे हैं। अभी तो हम लोग वीडियो अपडेट कर रहे हैं एवरीडे, मतलब एवरीडे नहीं, वीक में 2 बार, क्योंकि हम लोग एवरीडे भी अपडेट नहीं कर सकते। जो एनिमल आपको देखना है तो आपको वेट करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के डाल दिए वीडियो में, तो इस वजह से वीकली ट्वाइस ही आपको वीडियो मिलेगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे नए नए अगर स्पीशीज आपको देखना है तो हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या देखना है, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या देखना है और कैसी स्पीशी आपको देखना है, कैसा आपको हैंडलिंग, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो हैंडलिंग भी आके आपका। लेकिन हमारे शॉप पे पहली बात तो मैं ये बता दूं, हमारे शॉप पे जो है हैंडलिंग करने को देते नहीं, बिकॉज आप लोग कैसे आएंगे, क्या इन्फेक्शन रहेगा आपके, क्या टेस्ट रहेगा, इस वजह से हम लोग आपको टच करने को नहीं देते। अगर आपको हैंडलिंग ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, हैंडलिंग ट्रेनिंग मैं आपको उसका डिटेल दे दूंगा। और काफी सारे मेरे पास जो है वो स्पीशीज आने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।